हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने टीवीएस विक्टर को घर पे ही सर्विसिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट आएगा। अब आप गाड़ी देख सकते हैं कितना बुरी कंडीशन में है और इंजन के पास भी आप देख सकते हैं पूरे इंजन ऑयल जमा हो गया है और पूरे धूल मिट्टी से भर गया है गाड़ी। आप देख सकते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसा हम अपने घर पर ही पूरा सर्विसिंग करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप देख रहे हैं बीजा टेक मोटर राइडर्स। हमें गाड़ी को सर्विसिंग करने के लिए कुछ बेसिक्स का टूल्स का यूज़ करना पड़ता है। ये देख सकते हैं ये टूल्स। और मैं इस गाड़ी में शेल 20W40 का 40 इंजन ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं मिनरल इंजन ऑयल लिखा हुआ है। और इसका प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हैं 305 रुपीज़ है इसका प्राइस। ये 1 लीटर कैपेसिटी है, ये आप देख सकते हैं। और ये भी मैं चेंज करने वाला हूँ, ये ऑयल फिल्टर, ये 42 रुपीज़ का आया था। ये जेन्युइन का ऑयल फिल्टर है टीवीएस के। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 70 नंबर की स्पैनर की सहायता से ये ड्रेन नट को ओपन करेंगे। इधर आप देख सकते हैं ये ड्रेन नट है, इसको लूज़ करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, इसको मैं लूज कर दिया हूँ। एक बार हाथ से घुमाने की कोशिश करते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसको हमको कलेक्ट करना है। ये ऑयल सील्स होते हैं। ये ऐसा होता है और ये ऐसा, और उसके ऊपर से एक ऑयल सील ऐसा लगता है। ये आप देख सकते हैं, एक 5-10 मिनट के लिए इससे रख सकते हैं ऐसे ही। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये एक छोटे से स्पैनर के को लेके इस नट्स को भी लूज़ कर देंगे। कंपार्टमेंट ऑयल सील का कंपार्टमेंट है। इसका मेन यूज ये होता है कि ये पूरे ऑयल में कुछ भी कचरा है तो जैसे कि थोड़ा आयरन पार्ट्स होते हैं, ये पूरा उसको निकाल देता है। आप देख सकते हैं पूरे मैं निकाल लिया उससे उसको। इसको हम एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से बाहर निकालेंगे। ये आप देख सकते हैं अंदर का कुछ हालत ऐसा है। और ये छोटा सा एक ऑयल फिल्टर, स्टेज हो गया है इसका। ये है नया ऑयल फिल्टर, ये पुराना ऑयल फिल्टर। आप इस जोन में फर्क देख सकते हैं कितना काला हो चुका है ये, और ऑयल की हालत भी आप देख सकते हैं बहुत काला और पतला हो चुका है ऑयल। अब हम क्या करेंगे कि इसको पूरे अच्छी तरीके से क्लीन करके इसमें नया ऑयल फिल्टर डाल देंगे। और क्या करेंगे कि इसको क्लोज करेंगे और ड्रेनर को भी कि 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ के फिर हम नया इंजन ऑयल इसमें डालेंगे। अभी हम ये साइड को इस अंदर की तरह डालेंगे और आप देख सकते हैं ये कंपार्टमेंट को मैं अच्छे से क्लीन कर दिया हूँ और ये साइड अंदर जाएगा ऐसा कुछ ऐसे इस तरीके से। अभी हम सील को इसमें लगा देता। ये जितना हो सकते इतना हाथ से ही टाइट करना बेहतर है। इसको कैसे लगाना है, ड्रेन नट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको कैसे लगाना है मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट मैं इस पूरे को क्लीन कर लेता हूँ। जस्ट आप एक बार सुनिए कैसे लगाना है। ये स्प्रिंग ऊपर की तरह होता है, ये ड्रेन नट पूरे नीचे होता है कुछ इस तरीके से। और इसके ऊपर ये स्ट्रेनर रहता है ऐसा, और ये पूरा सेट ऐसा ऊपर से ऐसा दब के रहता है। ड्रेनर को आप देख सकते हैं मैं अच्छी तरीके से इसको क्लीन कर दिया हूँ।
और इसको अभी इंसर्ट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ट्रेनर, इसको मैं अच्छी तरीके से लगा दिया हूँ। और पहले हम हाथ से टाइट कर देते हैं और फिर स्पैनर की हेल्प से पूरे अच्छी तरीके से टाइट कर देते हैं। और एक बात ध्यान रखें कि ये ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइट रहे, क्योंकि ये ड्रेन नट होता है इसीलिए, और ऑयल लीक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाता है। अब हम इस ऑयल को इसमें डालते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं। ये 900 ml का है, ये 1 liter का है। हम ध्यान रखना है कि हम 900 ml ही इसमें डालें। अभी इसको मैं अच्छे से क्लीन कर दिया है और स्ट्रेनर को इसमें लगा देते हैं। और एक कटिंग प्लेयर की हेल्प से थोड़ा और टाइट कर देते हैं। ठीक है, एक 50 नंबर का सॉकेट है, इससे हम ये ब्रेक्स को टाइट कर देते हैं। फ्रंट ब्रेक को भी हम ऐसे ही टाइट करते हैं। ये हो गया थोड़ा सा मेन सर्विसिंग। और अगर हम एयर फिल्टर की बात करें तो मैं 2000 किलोमीटर पहले ही मैं एयर फिल्टर को क्लीन कर लिया है, इसीलिए मैं अभी नहीं दिखाने वाला हूँ। अगर आपको एयर फिल्टर क्लीनिंग भी चाहिए तो मैं अलग से उसमें वीडियो बनाऊंगा। अभी हम क्या करते हैं, ब्रेक्स को टाइट कर दिया, इंजन ऑयल फिल कर दिया, ऑयल फिल्टर फिल कर दिया। अब गाड़ी को हम अच्छी सी धो के नीट एंड क्लीन कर देंगे। मैं आपको ये नहीं दिखाने वाला हूँ कैसे वॉश करना, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ, इसीलिए मैं पूरी अच्छी गाड़ी को अच्छी की से धो के आपको बताऊँगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, गाड़ी अच्छी तरीके से मैंने सर्विसिंग करा दी है और गाड़ी का आप कंडीशन देख सकते हैं कितना अच्छा हो गया है, बिल्कुल ब्रांड न्यू की तरह हुआ है गाड़ी, आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, और ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट्स लाते रहेंगे। मैं मिलता हूँ अब इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।